कुछ दिनों पहले एक आदमी को बुखार आया और उसका शरीर हरा पड़ने लगा। उसे देखने गांव के बाकी लोग आए कि आखिर क्या मामला है। गांव वालों ने जब उसे बिस्तर पर लेटे हुए तड़पते हुए देखा तो बहुत दुखी हुए। हाय, ये दर्द लगता है जान लेकर ही मानेगा। इस बुखार का कोई इलाज नहीं कर पा रहा। अरे, मैं क्या करूं? ये क्या हुआ है तुम्हें भाई? तुम्हारे शरीर का रंग हरा होने लगा है और तुम्हारे शरीर पे ये फोड़े फुंसी कैसे निकल रहे हैं? पता नहीं भाइयों, ये मुझे शायद इस जन्म के पापों का फल मिल रहा है। गांव वाले आपस में खुसुर फुसुर करते हैं। अरे गोपाल भैया, इस कुष्ठ रोगी से दूर रहो, छुओ मत, वरना ये फोड़े फुंसी तुम्हें भी लग जाएंगे। वैसे भी ये कितने दिनों का मेहमान है? सही कह रहे हो भैया, कितनी बुरी हालत हो गई है इसकी। पता नहीं कौन से बुरे कर्म करे हैं जो ऐसा फल मिल रहा है। ये खबर पूरे गांव में फैलने लगती है और अब गांव का कोई भी आदमी या औरत पीड़ित के पास नहीं जाता था। उसकी हालत दिन पर दिन और खराब हो गई और देखने में वह बहुत बदसूरत लगने लगा। कोई भी उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता था। फिर एक दिन, अरे भाइयों, मैं क्या कहता हूँ कि इस कुष्ठ रोगी को गांव के बाहर फेंक आते हैं। इस मनहूस की जब भी बात होती है दिन खराब हो जाता है। हाँ, सही बात है, गांव में रहेगा तो इसकी बीमारी पता नहीं कितनों को लगेगी। सारे गांव वाले उसे उठाते हैं और गांव के बाहर छोड़ाते हैं। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं भी इस गांव का हिस्सा हूँ, मैंने भी इस गांव के लिए काफी कुछ किया है। अब मेरा समय खराब है तो तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चल चल, पड़ा रहे यहीं। तेरे लिए अब हम पूरे गांव को खतरे में नहीं डाल सकते। पता नहीं क्या रोग लेके चल रहा है। पीड़ित गांव वाला चिल्लाता रह जाता है पर उसकी कोई नहीं सुनता। और ठंड भरे दिनों में कुछ दिनों तक वह आदमी ऐसे ही दिन रात रोग से तड़पता रहा और एक रात तड़पते तड़पते उसकी मौत हो गई। इतनी बुरी दर्दनाक मौत के कारण वह एक शैतान बन जाता है। आखिर मुझे दर्द से मुक्ति मिल ही गई, पर गांव वालों, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। तुम सबने मिलके मुझे गांव से निकाला था ना खुद को बचाने के लिए, पर अब तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू। और वह शैतान गांव में घुस आता है। रामू अपने खेतों में काम करके कुछ देर आराम के लिए वही छांव में सो जाता है। सबसे पहले तो तू ही मरेगा, अच्छा हुआ जो मुझे यहीं मिल गया। फिर गुस्से में शैतान सोते हुए रामू के हाथ में अपने नुकीले दांतों से काट लेता है। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो, अरे मर गया रे। जिसकी वजह से उसके बीमार शरीर का वायरस रामू में चला जाता है। और वो वहाँ से चला जाता है। दो तीन दिन बाद रामू की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और उसके शरीर में फोड़े फुंसी निकलने लगते हैं। और धीरे धीरे उसका शरीर अलग रंग का होने लगता है। अजी, ये आपको क्या हुए जा रहा है? आप कितने डरावने लगने लगे हो, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अरे भगवान, तुमने तो कसमें वादे किए थे कि पूरी जिंदगी मेरी सेवा करोगी और दो दिन में ही परेशान हो गई। जी, आपका ये रोग मुझे भी ना लग जाए,
मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। और वो चली जाती है। रामू दर्द में चिल्लाता रह जाता है, पर रामू की हालत की वजह से सभी उससे दूर ही रहते थे और इसी तरह रामू की मौत हो जाती है। शैतान यहाँ एक एक करके सारे गांव में अपना सुपर वायरस फैला रहा था। गोपाल, कृष्णा, पीकू और न जाने कितनों को उस सुपर वायरस शैतान ने संक्रमित कर दिया और एक एक करके सब मरते जा रहे थे। गांव में तो मानो वीरानी छा गई हो। मेरा बदला अब पूरा हो रहा है। मेरा मकसद है मैं सबको अपने सुपर वायरस से संक्रमित करके शक्तिशाली बन जाऊं और हर जगह मेरा ही राज हो, और ये अब जल्दी ही होने वाला है। उसी बीच शहर से हरिया का एक रिश्तेदार आया जिसका नाम रामकिशन था, जो कि शहर में बहुत बड़े अस्पताल का डॉक्टर था। हरिया को बीमार देखकर वह दुखी महसूस करता है। अरे हरिया भैया, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो गई और तुमने मुझे खबर तक नहीं दी। अगर मैं आज घूमने नहीं जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता। और ये बताओ भैया, कैसा माहौल है गांव का? गांव में इतनी शांति कैसे है? अब क्या बताएं तुम्हें, पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। गांव की तो जैसे शांति ही चली गई है, जिसे देखो बीमार ही पड़ा जा रहा है और एक एक करके सबकी मौत होती जा रही है। रामकिशन ये सुनकर थोड़ा दंग रह जाता है। अच्छा, पर ऐसे कैसे? जैसे मेरे शरीर पे फोड़े निकले हैं, ऐसे ही बाकी सबके शरीर पे निकल रहे हैं और बुखार खांसी बढ़ते ही कुछ दिनों में सबकी मौत हो जाती है। पता नहीं मैं भी कब तक जीवित हूँ। जब तक चल रहा है चल रहा है। जहाँ भगवान का बुलावा आएगा मैं भी चला जाऊंगा। रामकिशन बहुत दुखी होता है। तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब मैं आ गया हूँ ना। और वह हरिया का ब्लड सैंपल लेकर उसी वक्त शहर निकल जाता है। वहाँ जाकर वह लैब में खून की जांच करता है तो हैरान रह जाता है। How is it possible? आज तक साइंस में ऐसा कभी नहीं हुआ। What happened, doctor? Look, इस ब्लड सैंपल में एक वायरस के रूप में शैतान का चेहरा नजर आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां साइंस काम नहीं आती। इसका जवाब तुम्हें साइंस से नहीं, किसी तंत्र मंत्र से मिलेगा। रामकिशन उसी वक्त वहां से निकलता है और एक बड़े ज्ञानी बाबा के पास जाता है और उसे पूरी घटना बताता है। मैं समझ गया वत्स, चलो मुझे उस जगह पर लेके चलो। डॉक्टर रामकिशन बाबा को उस गांव में लेकर जाता है और हरिया की हालत दिखाता है। देखकर बाबा उन्हीं आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलते हैं और उन्हें दिव्य दृष्टि में उस शैतान का चेहरा नजर आता है। बेटा, मेरा ज्ञान ये बताता है कि यहाँ के लोगों ने एक आदमी के साथ दुर्व्यवहार किया था, जो अब शैतानी रूप में सबसे बदला ले रहा है ये सुपर वायरस फैला के। तभी हरिया को उस आदमी की याद आती है और वह बाबा और रामकिशन को पूरी कहानी बताता है। चलो हमें उसकी लाश के पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा। और वे दोनों गांव के बाहर उसकी लाश ढूंढते हैं। ओ देखो बाबा, लाश वहाँ है। तभी शैतान वहाँ प्रकट हो जाता है। वह बाबा को अपनी लाश के पास जाने से रोकता है। बाबा अपनी ऊंची विद्या से उस शैतान को बंदी बना देते हैं और उसकी लाश को नष्ट कर देते हैं। जैसे जैसे उसकी लाश नष्ट हो रही होती है, वो शैतान भी अपना अस्तित्व खो देता है। फिर बाबा हरिया के पास आते हैं और उसे भी चमत्कारी शक्तियों से ठीक कर देते हैं। देखो हरिया, तुमने और सबने पाप तो किया है, पर अब इसका पश्चाताप करने के लिए उस आदमी के नाम से गांव के मंदिर में हवन करवाओ, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले।